ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले सम्स से स्टार्ट करेंगे आई हैव रिटर्न अ फ्यू नंबर्स यहाँ पे इसका सबसे पहले मीन मीडियन एंड मोड निकालो मीन कैसे निकालेंगे वेरी सिंपल ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपीज स्टार्ट सॉल्विंग मीन क्या आया एक्स कितना आ रहा है सबको ऐड करके बताओ थर्टी बाय कितने नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो बेसिकली थ्री मीडियम क्या होगा टेन नंबर्स हैं सो हम लोग कौन सा लेते हैं टेन प्लस वन बाय टू एथ वैल्यू विच इज हाउ मच टेन पॉइंट फाइव

फोर एंड फाइव वन कितने बार आ रहा है वन टाइम टू कितने बार आ रहा है वन टू थ्री कितने बार है टू थ्री एंड फोर फोर कितने बार है एंड फाइव इज सो ये क्या है डॉट प्लॉट है एंड कैन यू सी इट्स सिमेट्रिकल आपका जो हम्प है इसको हम लोग हम्प लो हम भी बोलते हैं या फिर जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है उसके साइड में द स्प्रेड इज इक्वल दिस इज अमेट्रिकल डेटा सो फॉर अ सिमेट्रिकल डेटा फॉर अ सिमेट्रिकल डेटा मीन मीडियन एंड मोड इज ऑलवेज इक्वल अंडरस्टूड क्लियर यस बोलो मोड क्या होता है मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सो बेसिकली यहाँ आप एक्सप्लोट कर रहे हो एंड यहाँ आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हो तो जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका मोड है एंड सिंस दिस इज सिमेट्रिकल योर मोड मीन एंड मीडन आर इक्वल सेम वॉट इट अंडरस्टंड ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका निकालो अब मीन निकालना है मोड निकालना है एंड मीडियन करो इसको सॉल्व बोलो अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नंबर्स हैं टोटल हाँ ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन सबका ट्वेंटी सेवन आ रहा है तो कितना आया टू पॉइंट सेवन ठीक है कितने बार अकर हो रहा है हाँ मतलब सॉरी मीडियन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे फाइव पॉइंट फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो इन दोनों का एवरेज टू प्लस थ्री बाई टू विच इज तो अब इस केस में आप लोग क्या बोलोगे मीन ये आप लोग को लिखना है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड और नो अब इसका डॉट प्लॉट बनाओ तो सब लोग इसका डॉट प्लॉट बनाओ फाइव कितने बार है वन फोर इज वन थ्री इज थ्री टाइम्स टू इज फोर टाइम्स वन इज़ वन टाइम यार है अच्छा फोर टाइम्स है सो समथिंग लाइक दिस दिस इज वॉट पॉजिटिवली स्क्यूड अगेन वॉट डू यू सी दिस हम्प जो है दिस इज ऑलवेज द मोड जो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता है ना दट ऑलवेज द मोड एंड मोड इसके बाद मीडियम यहां आ रहे हैं समवेयर अराउंड टू पॉइंट फाइव एंड समवेयर अराउंड टू पॉइंट सेवन गिवस यू दमेशा मोड मीडियन ना हमेशा मोड एंड मीन के बीच में रहता है क्यों क्योंकि दैट्स वॉट इट इज राइट मीडियम इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू यूजली वेन एव यू कैलकुलेट योर मीडियन इज बिटवीन मोड एंड मीन सो इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड हाइएस्ट क्या है मीन इज द हाइएस्ट टू पॉइंट सेवन देन मीडियम देन मोड मोड इज द लोएस्ट वाई मोड इज द लोएस्ट बिकॉज द हाइस्ट वैल्यू है ध्यान से सुनना जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है विच इज द मोड उसके राइट right साइड में देखो यहाँ इसके राइट right साइड में कितने वैल्यूज हैं वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यूज हैं इसके लेफ्ट में कितने वैल्यूज हैं खाली वन वैल्यू है तो वेन यू कैलकुलेट द एवरेज विच इज योर मीन वेन यू कैलकुलेट द एवरेज तो आपको ऑब्वियसली जो एवरेज है वो राइट साइड पुल होगा ना बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज हैं फाइव फोर हमने कल क्या किया था वेन यू आर कैलकुलेटिंग द मीन आप जब एक एक्सट्रीम वैल्यू लेते हो तो मीन चेंज होता है इट ड्रिफ्ट्स शिफ्ट्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीम वैल्यू तो यहाँ पे आपका इसीलिए मीन इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ द मोड बिकॉज मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर टूवर्ड्स द राइट ऑफ द मोड क्लियर अंडरस्टूड ठीक है ये फुल लाइफ आपको याद रहेगा अब क्या होता है

ठीक है नेक्स्ट करें डन नेक्स्ट नेक्स्ट निकालो चलो पीछे स्क्रीन विजिबल है पक्का क्या है मीन मीडियन मोड मोड तो इजी होता है मोड इज मोड क्या कौन बोला फाइफ एक बार हैंड रेस करना तो जल्दी से कहाँ है कौन से सपने में तुम नहीं वो हाईएस्ट नंबर देख के बोल दिया फाइव मेरे को सॉरी मत बोलो एग्जाम में सॉरी बोलना हाँ क्या आ रहा है टोटल बाई कैलकुलेटर नहीं फोन से कैलकुलेट कर रहे हो यहां से तुम वहां क्यों गया कितना आ रहा है टोटल था ट्वेंटी फाइव कहाँ से आ गया बाय टेन सो थ्री पॉइंट थ्री मीडियन विच फाइव पॉइंट फाइव वन टू थ्री फोर ये वाला थ्री और फोर के बीच में मतलब थ्री पॉइंट फाइव तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे वॉट इज द मीन इज द लोएस्ट चेंज हो गया आपका अब अब इसका आप लोग खुद से सब लोग तो so बनाओ तो डॉट प्लॉट सो दिस इज बेसिकली अगेन नेगेटिवली स्क्यूड जब डॉट प्लॉट बनाओगे तो आपका समवर्ट सम समवर्ट लाइक दिस आएगा देखना ये आपका हाईएस्ट मोड है ऑफ फोर बीच में आपका मीडियम एंड ये आपका मीन क्लियर सो बाय अगेन फॉर द नेगेटिवली स्क्यूड इज ऑन द राइट मोस्ट तो हम्प ऑन द राइट मतलब ये आपका हाईएस्ट वैल्यू मतलब ये आपका मोड है ये वाला आपका मोड है एंड सिंस मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मोड तो आपका मीन इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट सो मीन इज लोअर एंड बीच में हमारा मीडियन एंड दैट्स वॉट यू कैन सी ऑन दिस डाइग्रम ऐसा कुछ देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो डन ये बना लो इसको क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आते हैं यूजली इस टाइप के एंड ये समथिंग दिस इज समथिंग यू शुड नो एंड इसका रीजनिंग आप लोग दे पाओगे अब जस्ट विदाउट एनी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन इसका रीजनिंग कैसे दोगे मैंने अभी सिखाया बिकॉज द हम्प इज़ ऑन द राइट सो आपका मोड हमेशा हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होता है विच इज़ द हम्प एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द हम्प सो मीन इज एक्चुअली ऑन द लेफ्ट मोड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इसमें कुछ नोट नहीं है क्योंकि हम लोग करेंगे इसको सोल्व आई गिव यू फाइव नंबर लाइट सपोज थ्री एंड और फिफ्टीन इसका मीन निकालो एक्स बार इसका मीन निकालो तो कितना आ रहा है पक्का श्योर सब लोग अग्री कर रहे हैं ठीक है नाइन पॉइंट सिक्स अब इन सारे नंबर्स में एड प्लस वन सो बेसिकली फोर सेवन इलेवन फिफ्टीन सिक्सटीन मैंने क्या किया है प्लस वन किया है ठीक है रुक जाओ रुक जाओ भागना नहीं है क्लियर है अब इसका एक्स बार कितना आ रहा है एड अप करो एंड बताओ ऑल ऑफ यू गेटिंग टेन पॉइंट सिक्स आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ यू सो वॉट हैपन्ड वाई आर वी गेटिंग टेन पॉइंट सिक्स हमने क्या किया नाइन पॉइंट सिक्स प्लस वन करोगे तो कितना आएगा टेन पॉइंट सिक्स सो मीन में क्या होता है वेन यू एड नंबर्स टू योर ओरिजिनल डेटा आपका मीन भी उतने ही से इंक्रीज हो जाते हैं एड और सब्ट्रैक्ट नाइन थर्टीन एंड फोर्टीन इसका निकालो अब ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लोग बिना कैलकुलेट के निकालोगे बोल दोगे कैलकुलेट करके बोलो अभी से अगर थक जाओगे थर्टीन पेपर्स कैसे दोगे बताओ कैसे देगा तुम थर्टीन पेपर्स अभी से थक जाएगा तो 8.6 क्लियर गॉट इट सो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द मीन अब अगर मैं इसका प्लॉट करूं तो मीन आपका था 9.6 पे आपके सारे डेटा पॉइंट्स पे प्लस वन हो गया तो मीन आपका राइट शिफ्ट हो गया 10.6 पे माइनस वन हो गया ये आपका शिफ्ट हो गया 8.6 पे ठीक है इसको प्रूव करते हैं इसको ना इसका प्रूफ करते हैं आपका प्रूफ आएगा नहीं यूजली बट सिंस ईजी है तो हम लोग कर सकते हैं एनी नंबर ए नॉ दिस ए इज दिस पेन विजिबल टू ऑल ऑफ यू एनी नंबर ए कैन आईडर बी प्लस और अ माइनस ठीक है लेट सपोज ए इज़ अ नंबर ठीक है ए इज़ अ वेरिएबल जिसको हम नंबर मान रहे हैं प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ठीक है माइनस वन हो सकता है प्लस वन हो सकता है मैं ए इसमें सब में ऐड कर देती हूँ प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए ठीक है ऐड कर दिया अब ये जो पांच नंबर्स है इसका मुझे मीन निकालना है तो इसका मीन निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड फर्स्ट आई नीड इसका समेशन। सो समेशन ऑफ एक्स क्या आएगा थ्री थ्री प्लस सिक्स प्लस टेन कितना आ रहा है सारे का समेशन करके हाँ थर्टी एट आ रहे, है फोर्टी एट आई एम नॉट श्योर मैंने नहीं किया आप लोग बताओ मैंने रैंडमली नंबर्स लिए हैं श्योर तो फोर्टी एट प्लस फाइव ए एक सेकेंड स्क्रीन पे विजिबल है ये पेन हाँ ठीक है तो फो फोर्टी एट बाई फाइव ए डिवाइडेड बाय फाइव विच इज़ हाउ मच नाइन पॉइंट सिक्स प्लस ए hence proved now this a can be a plus number or a minus number so any number you add or any number you subtract your mean just shifts by that value clear clear now let's suppose if i tell you let's suppose if i tell you k numbers are थ्री सिक्स झगड़ा मत करो तुम लोग फोर्टीन एंड फिफ्टीन वेरी गुड अब इसमें मैं बोल रही हूं हम लोग टू से डिवाइड कर देते हैं सारे नंबर्स को इसका मीन कितना आ रहा था नाइन पॉइंट सिक्स सारे नंबर्स को मैंने टू से डिवाइड किया है या लेट्स सपोज टू से, से मल्टीप्लाई करते हैं सो लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाई टू सो कितना हो जाएगा सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी अब इसका मीन निकालो कैलकुलेट करो अच्छा कैलकुलेट करो एक बार कैलकुलेट तुम्हें कैलकुलेटर ऑन ही नहीं है नहीं तो तुम बिना कैलकुलेटर ऑन के कैसे कर रहे हो कब से वेरी गुड नाइनटीन पॉइंट विच इज़ नथिंग बट नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टू गेस और नो हाँ सिमिलरली अगर मैं बोलती इस नंबर्स को डिवाइडेड बाई टू करो तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव थ्री फाइव सेवन सेवन पॉइंट फाइव इसका मीन बताओ कितना आ रहा है फोर पॉइंट एट सो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या सीख रहे हैं एक रैंडम नंबर ले लो ए जिससे हम लोग या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें लेट्स मल्टीप्लाई सो सब में ए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका अब हमारा मीन क्या आएगा समेशन क्या आएगा सारे नंबर्स का हाँ समेशन करके बताओ फोर्टी एट ए आएगा बाय फाइव विच इज़ नाइन पॉइंट सिक्स ए एंड अगर ये टू है तो नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टू अगर डिवाइड कर रहे हो इससे इस तो ये क्या हो जाता है वन बाई टू तो नाइन पॉइंट डिवाइडेड बाई टू गॉट इट इसको लिख लो पूरा सो so, एनी हम लोग यूजअली ऐसे लिखते हैं हाँ हम लोग यूजअली ऐसे लिखते हैं इसको एक्स बार इज बेसिकली अगर आप अपने नंबर्स में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो एंड बी से प्लस या माइनस कुछ भी कर रहे हो तो ये आपका न्यू एक्स बार हो जाएगा ये वाला ओल्ड एक्स बार है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया एंड एड क्लियर अंडरस्टूड ठीक है <coughs> देख लो ये नेक्स्ट करें डन ट्योर कॉपी किया सबने बिकॉज इज नॉट देयर इन माई नोट्स नेक्स्ट अब हम लोग कल कर चुके हैं अब हम लोग करेंगे सैम्पल मोमेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक मीन मीड एंड मोड ठीक है नाउ विल स्टडी अगर इंस्टेड ऑफ सैंपल मीन को यूजुअली हम लोग जो ये मीन होता है मीन मीन को यूजुअली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं फर्स्ट लिख लो मोमेंट फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट ये इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट यस बाद में आप लोग समय पढ़ोगे इसको हम लोग स्मॉल एम वन भी बोलते हैं बट अभी के लिए आप लोग भूल सकते हो हम लोग इसको स्मॉल एम वन भी बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट ठीक है अब अगर मुझे केएथ ऑर्डर मोमेंट निकालना है तो वॉट इज द फॉर्मूला जैसे यहां आप समेशन ऑफ एक्स करके डिवाइड बाय एन करते हो तो आपका केएथ ऑर्डर मोमेंट हो जाएगा एक्स टू दी पार के के आपका सेकेंड ऑर्डर मोमेंट, थर्ड ऑर्डर मोमेंट, तो जो भी एक्स के वैल्यूज है अगर मैंने बोला सेकेंड ऑर्डर मोमेंट निकालो तो एक्स स्क्वेयर को ऐड कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय एन सो ऑल द एक्स वैल्यूज विच यू हैव उसका स्क्वायर कर देंगे एंड उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन करेंगे सो फॉर एग्जांपल लेट मी से ये वैल्यूज है आपके इसका मैंने बोला कि सेकंड ऑर्डर मोमेंट निकालो ठीक है जैसे के ऑर्डर होते है कैन बी एनी नंबर हैज़ टू बी एन एन टीजो हैज़ टू बी पॉजिटिव ऑब्वियसली दैन डज नॉट डज नॉट मेक एन सेंस ऐसे कुछ भी हो सकता है बट यूजअली हम लोग सेकेंड ऑर्डर जैसे देखो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट एक्स स्क्वायर है थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर भी करते हैं यूजली हम लोग थर्ड ऑर्डर तक ही जाते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे स्क्यूनेस तो उसमें हम लोग को थर्ड ऑर्डर चाहिए होता है सेकेंड ऑर्डर हमें चाहिए होता है वेरियंस में तो इसका स्क्वायर ये आपके एक्स आईज हैं एक्स आई के वैल्यूज़ हैं इसका आप स्क्वायर करोगे क्योंकि मुझे क्या निकालना है सेकंड ऑर्डर मोमेंट निकालना है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फोर सिक्सटीन एटी वन ठीक है ऐड करो सबको एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन थ्री फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय फाइव कितना आ रहा है सिक्सटी सबका आया सो बाद में जाके हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एम टू ठीक है एम टू एम थ्री इज थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक ही जाते हैं यूजली क्लियर ये हम लोग यूज करेंगे बाद में जस्ट टू मेक यू आर कस्टम विदर्मिनोलॉजी यूज अब हम लोग अभी तक हमने जब मेन मीडियन मोड पढ़ा या ये भी पढ़ा ये हमने क्या निकाला इससे लोकेशन याद करो कल हम लोग पढ़े थे लोकेशन स्प्रेड एंड शेप है न लोकेशन स्प्रेड कितना डिस्पर्ज है एंड शेप स्क्यूनेस ठीक है तीन चीज पढ़े थे तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल हमने जो भी मेजर्स करे दोज मेजर्स आर यूज फॉर द लोकेशन ज पढ़ेंगे इंटरकोर्टल रेंज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे. Okay? Range. Range कुछ नहीं होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस द मिनिम वैल्यू ऑफ द डेटा गिवस यू द रेंज दिपल ठीक है तो अगर सपोज मेरे पास ये डेटा गिवन है सारे डेटा है मेरे पास थ्री से सेवन तक का थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये मेरा डेटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ सेवन मिनिमम वैल्यू क्या हुआ थ्री सो व्हाट्स द रेंज रेंज इज सेवन माइनस थ्री फोर दैट्स इट दैट्स द रेंज रेंज ऑफ वैल्यूज़ आपकी रेंज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ठीक है मैक्सिमम माइनस मिनिमम गिव्स यू द रेंज री सिंपल वेरी सिंपल कुछ नहीं है अगेन रेंज से क्या पता चलता है जितना ज्यादा रेंज होगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हंड्रेड स्टूडेंट हैं हु ऑफ द एग्जामिनेशन हाइएस्ट मार्क्स आया था नाइन्टी फाइव एक जन का लोएस्ट मार्क्स आया था एक जन का फिफ्टी सो so, क्या हो गया नाइन्टी फाइव माइनस फिफ्टी फोर्टी फाइव विच इज द रेंज ऑफ द मार्क्स ठीक है दूसरा कोई है उसके हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं उसका हाईएस्ट मार्क्स आया नाइन्टी लोएस्ट आया सेवेंटी तो रेंज क्या हो गया ट्वेंटी सो so, जितना ज़्यादा रेंज होगा मतलब उतना वाइडली स्प्रेड है क्या है स्प्रेड वाइडली स्प्रेड सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर स्प्रेड ठीक है कल लोकेशन का पढ़ा था आज स्प्रेड का पढ़ेंगे अब सिमिलरली आपके सिंपल वैल्यूज हैं अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता समथिंग लाइक दिस तो आपके एक्स के वैल्यूज़ हैं एंड उसका फ्रीक्वेंसीज है सो लेट्स सपोज आपका वन आ रहा है थ्री टाइम्स टू आ रहा है फोर टाइम्स थ्री आ ये सारे आपके फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं तो अगेन क्या इसमें से खाली ये हटा दो अगर ये आपका टेबल है तो इस टेबल को देख के सिंपली हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होगा बोल सकते हैं बोलो हाँ वेरी सिम्पल आपका हाईएस्ट फाइव है लोएस्ट वैल्यू वन है फोर इज द रेंज राइट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द फ्रीक्वेंसीज इन द इंटायर फ्रीक्वेंसी टेबल यू कैन इजीली सी विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू सिंपली यू नीड टू कैलकुलेट द रेंज गॉट इट बोलो ठीक है सिमिलरली अगर हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें जहां पे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ठीक है हमारे ग्रुप्स बने हुए अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज क्या प्रॉब्लम है कोई बता सकता है इसका कैसे निकालेंगे रेंज डजन मेक एनी सेंस मिड वैल्यू तुम क्या बेसिस पे निकाल रहे हो तो मतलब यू आर सिंग वन जीरो नाइन माइनस फोर्टी क्यों आंसर देख लिया नीचे हंड्रेड एंड टेन तो ये बोल रही है चलो जो भी हंड्रेड एंड टेन ले लो हंड्रेड एंड नाइन ले लो ड मेक एनी डिफरेंस माइनस फोर्टी तो ये बोल रही है जो आपका मैक्सिमम वाला ग्रुप है मतलब लार्जेस्ट ग्रुप है उस लार्जेस्ट ग्रुप का हाइएस्ट रेंज वैल्यू एंड <clears throat> जो आपका स्मॉलेस्ट क्लास है उसका लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे रेंज दिस इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन यही करना है बट इज दिस करेक्ट क्यों करेक्ट जरूरी नहीं कि आपके डेटा सेट में 109 कोई एक वैल्यू है हो सकता है 109 कोई वैल्यू है ही नहीं आपके डेटा में ये जो एक वन लिखा हुआ है यहां पे हो सकता है ये जो वन है ये 100 एंड 109 के बीच में कोई भी एक वैल्यू था आपके पास ये जो ग्रुप्ड क्लास आप बनाते हो या आप कैसे बनाते हो जैसे यहाँ लेट्स सपोज एक मेरे पास वैल्यू है फोर्टी टू मेरे पास है फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर मतलब ऐसे करके बहुत सारे एंड लास्ट में मेरे पास एक हंड्रेड एंड थ्री का वैल्यू है हंड्रेड एंड थ्री यहाँ पे आ गया वन वैल्यू फोर्टी टू आ गया यहाँ पे एक वैल्यू राइट बट इज दिस फोर्टी इज दिस हंड्रेड एंड नाइन और हंड्रेड एंड टेन नो राइट सो दिस यूजिंग अगर आपको खाली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है यू कैन कैलकुलेट योर रेंज बट देन दैट इज नॉट द करेक्ट और द एग्जैक्ट आंसर दैट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन अंडरस्टूड क्लियर है ठीक है अब हम लोग बोलेंगे क्यों ले रहे हैं क्योंकि अगर इन इंफॉर्मेशन नहीं पता कुछ तो हम लोग हमेशा थोड़ा एक एजम्पन बना के अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा आंसर आता हंड्रेड एंड थ्री माइनस फोर्टी टू विच इज सिक्सटी वन इस केस में क्या आ रहा है सेवेंटी ना नॉट वेरी क्लोज बट स्टिल यू गेट अ सम अप्रोक्सीमेशन विथ वॉट एवर डेटा यू हैव बिकॉज ज़रूरी नहीं हमें हमेशा पूरा कंप्लीट डेटा मिले गॉट इट सो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ द हाइस्ट ग्रुप मिनिमम ऑफ द लोअर ग्रुप जो सब हंड्रेड एंड टेन इज बिकॉज हमारा जो वैल्यूज है जैसे क्यों गैप है. है अगर फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव होता तो वो कहा जाता कौन बोला तुमको अगर फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव होता तो वो कहा जाता वो कहीं नहीं वैसा वैल्यू हो ही नहीं सकता अगर ऐसा आपको डेटा दिया हुआ है ये आपका बार चार्ट है बार चार्ट बनेगा से हिस्टोग्राम नहीं बनेगा तो अगर हम लोग का कंटिन्यूस डेटा होता तो आप लेते फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी एंड वो लेस देन वाला साइन इफ़ ऑल रिमेम्बर फोर्टी फिफ्टी ऐसा फिफ्टी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे सिक्सटी यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रही हूँ मैं

आप लोग को अगर टेक्निकली लॉजिकली करेक्ट होना है तो आपको क्या लेना होगा हंड्रेड एंड टेन लेना होगा गॉट इट जस्ट बिकॉज द विथ्स आर इक्वल दैट्स वाई वी हैव टेकन अंड्रेड एंड नाइन गॉट इट ठीक है क्लियर है सो so, कैसे निकालते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी का सो नाउ रेंज के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इट्स वेरी इजी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड टू कैल्कुलेट बट अगेन एट द सेम टाइम इट जस्ट द नंबर विच यूजेज द एक्सट्रीम वैल्यू एंड सो इट गेट्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज अगर एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया ये हंड्रेड एंड थ्री से सीधा हंड्रेड एंड टेन ले लिए तो चेंज हो गया वैल्यू तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू अ लॉट है ना तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं देख लो इट्स ईजी टू कैलकुलेट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज डजेंट यूज ऑल द डेटा क्यों हम लोग खाली मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द एंटायर डेटा यूज करें आर वी यूजिंग एनीथिंग एल्स इन बिटवीन नो वी यूज एवरी थिंग वैन वी कैलकुलेट मीन है ना मीडियम में भी नहीं करते मोड में भी नहीं करते इसमें भी नहीं करते एंड कांट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी इट कैन बी बट जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन सो इट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट आंसर गॉट इट एनी डाउट ऑल क्लियर ठीक है नेक्स्ट करते हैं इंटरकॉटल रेंज ये थोड़ा ट्रिकी है ये थोड़ा ट्रिकी है यहाँ हम लोग सिमिलर टू रेंज रेंज में आप मिनिमम मैक्सिमम लेते हो इंटरकॉर्टाइल रेंज इसको हम लोग यूजली आई इसको हम लोग यूजुअली आई क्यू आर भी बोलते हैं इंटो क्वार्टाइल रेंज समझा विच इज योर क्यू थ्री माइनस क्यू वन इसको समझेंगे जैसे हमने मीडियन निकाला था व्हाट वॉज मीडियन व्हाट वॉज मीडियन मीडियन वॉज दो वी हैव टू ठीक है आयुष गोइंग का लीनर इंटरपोलेशन अभी हम लोग यूज करेंगे इस इस वाली कैलकुलेशन में लीनर इंटरपोलेशन वापस यूज होगा सो so, इसमें देख लेना तो यहाँ पे मीडियम uh, क्या था मिडिल मोस्ट वैल्यू था मीडियम यस मीडियम वाज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू नाउ अगर पूरे डेटा में ये मेरा मिडिल मोस्ट वैल्यू है सपोज ठीक है अब मैं बोलूँ इस मेरे पूरे डेटा को वन फोर्थ एंड यहाँ पे थ्री फोर्थ में जो कट करे दैट्स योर क्वार्टाइल वैल्यूज दिस इज योर लोअर क्वार्टाइल Q1 दिस इज योर अपर क्वार्टाइल Q3 एंड मिडिल वाले को Q2 बोलते हैं विच इज़ नथिंग बट द मीडियन विच इज द हाफ वे थ्रू तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो अपना जर्नी तो अगर आप वन फोर्थ वे थ्रू हो तो आपका Q1 आएगा विच इज़ द लोअर क्वार्टाइल हाफ वे थ्रू बिकम्स योर मीडियन Q2 एंड three-fourth वे थ्रू इज योर क्यू थ्री अपर क्वार्टल तो यहाँ पे कितना पोर्शन बच रहा है इधर कितना पोर्शन बच रहा है One-fourth बच रहा है no? ना obviously. अगर इधर तक three-fourth है तो उधर one-fourth बचेगा Got it? हम लोग जब इंटर quartile रेंज निकालते हैं हम लोग ये गैप निकालते हैं, ये वाला which इज क्यू थ्री माइनस जैसे देखो रेंज में क्या किया मैक्सिमम माइनस मिनिमम करा अब क्या होता है समझना एकदम बेसिक ठीक है सब भूल जाओ सिर्फ डायग्राम से समझो वाई आई क्यू आर इफ यू हैव रेंज क्यों हम लोग अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आई क्यू आर कैलकुलेट हैं क्यों कर रहे हैं क्या एक्यूरेट है इधर बट वॉट इज द एक्यूरेसी वाई हाँ huh? वो तो ठीक है वो तो उसका एप्लीकेशन है बट इफ यू हैव रेंज उससे आपको स्प्रेड पता चल ही जा रहा है देन वाई आई क्यू आर नहीं समझ आ रहा सो सम वॉट वेरी गुड हम लोग यहाँ क्या देखते हैं जब रेंज निकालते हैं इट गेट्स अफेक्टेड बाई वॉट एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल ठीक है मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स का बात करते हैं जिससे आप लोग रिलेट कर सको यूजली आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स का मार्क्स जनरली आ रहा है आई टी सी पी टू सी पी थ्री ठीक है तो मेरी सीपी टू में क्या होता है स्टूडेंट्स यूजुअली स्कोर बिटवीन सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री एंड द्लियोर वही होता है उसमें एक स्टूडेंट अचानक से आया कहीं से निकल के उसका आ गया एट्टी टू सो दैट इज अफेक्टिंग माई रेंज एटी टू माइनस सिक्सटी यस बट मैं मोस्ट अब मुझे मैं किसी को जाके बोलूंगी मेरा ये रेंज अच्छा इतने वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं आपके बट एक्चुअल मे मोस्ट ऑफ माई वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड वेयर एक बच्चा फेल हो गया तो उसका फोर्टी फाइव आया एक बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एटी टू बट माई मोस्ट ऑफ दैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ये नो हाउ मेनी वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर योर हाफ फिफ्टी परसेंट वैल्यूज ना या आपका वन फोर्थ है या आपका थ्री फोर्थ है तो आपके कितने वैल्यूज हुए हाफ वैल्यूज यहाँ पे बोलो uh, यहाँ पे आपके हाफ वैल्यूज हुए कि नहीं सो मै फिफ्टी परसेंट ऑफ दैल्यूज कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फ एंड दैट इज वाई वी कैलकुलेट आई क्यू आर रादर दिन अ रेंज गॉट इट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द एप्लीकेशन वेरी सिंपल बहुत सिंपल है स्टेटिस्टिक्स इज वेरी इजी लाइक नथिंग लाइक इट तो यहाँ पे अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा बस ट्रिकी हो जाता है और तो कुछ नहीं है तो इसके कैलकुलेशन को समझते हैं अब यहाँ देख के जो मैंने पूरा क्लमजी कर दिया है इसे देख के लग रहा होगा इसका कैलकुलेशन का तरीका भी सम लाइक मीडियम ही होगा क्योंकि आपको वहाँ पे हम लोग बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे वन फोर्थ या यहाँ पे थ्री फोर्थ वैल्यू निकाल रहे हैं सो सिमिलर टू मीडियम ही आएगा दैट्स फॉर श्योर तो अब हम लोग को ये डेटा सेट गिवन है फिफ्टी वन ट्वेंटी आपको डेटा गिवन है तो अब एक बात देखना वो डेटा भूल जाओ यहां देखो मीडियन के लिए मैंने क्या बोला था एन प्लस वन बाय टू एथ वैल्यू निकालो दिस इज द हाफ वे थ्रू पर अगर हम लोग को हाफ का भी हाफ मतलब पे निकालना है तो इसको भी डिवाइड बाई टू कर देंगे विच इज एन प्लस वन बाई फोर्थ वैल्यू दैट्स योर क्यू वन एंड थ्री फोर्थ वे थ्रू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब एन प्लस वन बाय फोर्थ इज योर क्यू थ्री इसको लिख लो दिस इज योर क्यू टू दिस इज योर क्यू वन विच इज नथिंग बट द हाफ ऑफ क्यू टू क्यू टू बीच में है क्यू वन इज लोएस्ट देन बीच के बीच में है ना दिस इज योर क्यू वन ऐसे याद करोगे ना जिंदगी में फार्मूला भूलोगे नहीं आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो फार्मूलाज भूल जाओगे दिस इज हाउ यू नीड टू एक्चुअली लर्न कभी नहीं भूलोगे फिर वॉट इज क्यू एन वॉट इज क्यू थ्री एंड ऑल दैट नाउ डनी वेज यू हैव योर आर प्रोग्रामिंग एक्सेल जस्ट टाइप फंक्शन का नाम होता है आई क्यू आर फंक्शन का नाम है रेंज कुछ ही नहीं जरूरत पड़ता खाली रेंज लिखते आंसर आता है मीन लिखते आंसर आता है तो ये कहाँ ही हम लोग को याद बट क्यों ये चाहिए आप लोग को डेटा गिवन है उसको अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो फंक्शन से निकाल दिया देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ डेटा साइंटिस्ट एंड अ डेटा एनालिस्ट राइट दैट इज वाई वी आर बिकमिंग एक्चुअल एनालिस्ट नॉट साइंटिस्ट चलो क्लियर बोलो डन एनी कंफ्यूजन तो यहां पे ये जो डेटा है ये जो ये पूरा रामायण लिखा हुआ है मैं इतना नहीं करूंगी मैं बहुत बेसिक समझाऊंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है सेवन प्लस वन बाय फोर सेकेंड वैल्यू बट एक सेकेंड कि मैंने सेकेंड वैल्यू कर दिया दिस द एक्चुअल सेकेंड वैल्यू मेड के लिए क्या करते थे तो इसमें भी तो करना होगा या तो आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अरेंज करो यूजुअली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं डिक्रीजिंग भी करते हैं बट डिक्रीजिंग का फिर उल्टा हो जाता है पूरा कैलकुलेशन। सो नो पॉइंट इन डूइंग दैट इतना कन्फ्यूजन सो वी अरेंज इट इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग सो इन दैट वे दिस ट्वेंटी बिकम्स आर Q1, which is इज द value. वैल्यू अगेन plus one into three टू by four. सिक्स्थ वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स्थ वैल्यू इज दिस क्यू थ्री क्यू थ्री अब बहुत स्टूडेंट्स होते क्या करते हैं एग्जाम में वो ना ऐसे करके आते हैं क्यू वन आया सेकेंड वैल्यू आया ना वो बार में इसको टू लिख देंगे और क्यू थ्री को लिख देंगे सिक्स और आई क्यू आर करके आएंगे सिक्स माइनस टू ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा अप होते हो बट एक्चुअल में We are dealing with the second value and sixth value. So, we are dealing with 20 and 50. This might seem a little weird, but I have a lot of students who have done this in their exams. So, minus 50 minus 20 gives you 30, which is the answer. IQR. And if median, have 8 plus 1, 9 by 2, 4.5. No, 8 is not. values the there? 7. So, 8 by 2. करेंगे अभी ठीक है दिस इज द वेरी इजी वन जहाँ आपके पास ऑड नंबर्स हैं ऑड नंबर्स हमेशा इजी होता है ना कल भी मीडियन ऑड नंबर इजी था ठीक है बट इवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है यूजली हम लोग बोलते हैं ये हो गया अब यहाँ पे देखो वन टू थ्री अभी लेंगे इसको डील करेंगे ठीक है तो लेट मी डू वन थिंग ठीक है मैं अपने तरीके से कराती हूँ आप लोग को ये सब भूल जाते हैं ये आपके पास डेटा गिवन है कैन ऑल ऑफ यू सी दिस डेटा यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज आई एनी डाउट वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूस ठीक है एनी डाउट यू ऑल कैन टाइप इन द चैट बॉक्स तुम लोगों को डाउट है नो डाउट ओके सो सिक्स वैल्यूज है अब इसका एन प्लस वन बाय फोर क्या आ रहा है सेवन बाय इज वन वन पॉइंट सेवन फिफ्थ वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच में बीच में भी नहीं है एक्चुअल में इट्स नॉट इन द मिडिल तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कैसे होगा देखो इधर है मेरा थ्री इधर है मेरा फाइव दिस इज़ माय फर्स्ट वैल्यू दिस इज़ माय सेकंड वैल्यू हमें कौन सा चाहिए वन थ्री बाई फोर वन पॉइंट सेवन is this not looking like a linear interpolation yes so can you find this can you find this can you find this value kaise nikalenge ruk jao linear interpolation kal kaise kar rahe the aap log bolo ha huh? तो ये चलो इसको x ले लेते हैं तो x माइनस थ्री बाय फाइव माइनस थ्री दिस इज द फ्रैक्शन ये वाला फ्रैक्शन आउट ऑफ द टोटल एंड विच नीड्स टू बी इक्वल टू ये वाला फ्रैक्शन आउट ऑफ द टोटल विच इज हाउ मच वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन विच इज नथिंग बाय नथिंग बट थ्री बाय फोर इट तो एक्स कैसे निकलेगा थ्री बाय फोर इन ये वाला टू उधर चला जाएगा एंड ये थ्री उधर चला जाएगा प्लस थ्री यस yes? करो इसको देखने में बहुत इजी लग रहा है ना क्योंकि मैं पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ हंसने का कोई बात ही नहीं था सच है है ना तो करो लिखो एक्स क्या है फोर पॉइंट फाइव दिस इज योर क्यू वन

तुम्हारा बात करे खुशी का भाई तुम लोग पीछे जिन लोग बैठे तुम लोग कर रहे कुछ कि क्रिस क्रॉस और वो सब खेल रहे हैं ये स्कूल नहीं है जहां तुम लोग दो दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे अब तुम लोग स्कूल से बाहर आ गए हो इन द रियल वर्ल्ड क्या हुआ नहीं निकला Q3 थ्री तुम्हारा हाँ तो डेसिमल में तो आ ही सकता है उसको एसडी करो एसडी कैलकुलेटर में एक एसडी होता है फ्रैक्शन से वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ये देखो ये देखो एस से D. आई तुमने बैक कर दिया ये जो एसडी है ना इस पर क्लिक करने से वो डेसिमल में हो जाएगा मतलब इट्स सो फनी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो इसमें फाइव बाई थ्री लिखा हुआ आता है कैलकुलेटर में उसको एस डी में चेंज करना होता है क्या आ रहा है क्यू थ्री इसका तो फाइव पॉइंट टू फाइव आ रहा है ये तुम क्या की हो अच्छा वैल्यू है ठीक है तो कितने हैं वन टू तो सिक्स तो सिक्स प्लस वन इन थ्री फोर कितना आ रहा है फाइव पॉइंट टू फिफ्थ वैल्यू सो समन टू थ्री फोर फाइव इन दोनों के बीच में हाँ तो ये आपका इलेवन नहीं ये आपका इलेवन है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर नीचे लिख दिया मैंने ये हो गया वन या आप लोग ना इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चलो ये फिफ्थ वैल्यू है डजेंट मैटर ये सिक्स वैल्यू है विच इज सिक्सटीन हमें चाहिए फाइव वन बाई फोर वैल्यू क्या तो अगेन मैं कर नहीं रही हूँ एक्स माइनस इलेवन डिवाइड दिस फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन माइनस इलेवन है ना इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस फाइव विच इज नथिंग बट पॉइंट टू फाइव वन वन फोर्थ तो योर आंसर इज वन फोर्थ इन टू फाइव प्लस इलेवन कितना आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव इज योर क्यू थ्री तो अब वो जो फॉर्मूला होता है ना फ्रैक्शन देखो यहाँ पे लिखा होगा ये वाला फार्मूला इसको ऐसे काट देना क्योंकि हमें फार्मूला का ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन इन टू डिस्टेंस सब क्यों करना है वेन यू कैन डू इट यूजिंग दिस जहाँ पे भी यू कैन एक्चुअली डू इट इन अ सेकेंड जितना फॉर्मूलाज याद करने जाओगे ना एग्जाम में एकदम स्ट्रेस स्ट्रेसअप हो जाते हो या कभी भी एकदम स्ट्रेसअप हो जाओगे सो डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ट्राई टू रिमेंबर इट कि हमने फ्रॉम स्क्रैच कैसे किया है दिस प्रोसेस Take time, trust me. आपको कुछ नहीं करना था ये ये बनाना है एंड फिर कैलकुलेटर में खाली डालना है बस देख के अब आपको ऐसे ये वाला इक्वेशन बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है ना ओरली देख के कर सकते क्या हो रहा है सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला एक्चुअली ये याद हो जाएगा या फिर ये देख के हो जाएगा डोंट रिमेम्बर गड़बड़ करके हो गए तो हमारा आंसर क्या हो गया आई का ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव विच इज सेवन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है इन दोनों को माइनस कर दो सेवन पॉइंट सेवन फाइव अब ये दो डेटा दिया हुआ है ग्रुप ए ग्रुप बी ये डेटा पॉइंट से देख रहे हो थ्री फोर फाइव दो बार आ रहे हैं सिक्स सेवन तो इसको बेसिकली ऐसे लिख रहे हैं थ्री फोर फाइव फाइव अरेंज करना होता है ना सिक्स सेवन ये हो गया आपका ज़ीरो वन ज़ीरो को भी कंसिडर करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इट ज़ीरो आप उसको नहीं ऐसा नहीं कि कंसिडर नहीं करोगे एट एट एंड टेन इन दोनों का आई क्यू आर निकाल के बताओ क्विकली अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई जस्ट नीड द आंसर क्यू वन बताना क्यू थ्री बताना एंड आई क्यू आर बताना एक एक बार एक बार खाली सुन लो आई क्यू और आप लोगों को किसका लगता है कि ज्यादा आएगा ए का कि बी का बी का क्योंकि ज्यादा स्प्रेड है ना एक्सट्रीम्स में है वैल्यूज बीच में तो कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली स्प्रेड वाइड है क्यू थ्री समे द राइट होगा क्यू वन समय समवेयर टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा सो क्यू थ्री माइनस क्यू वन विल बी वेरी वाइड करो आया आंसर क्या आया बताओ ग्रुप ए का क्यू कितना है Q1 कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में है ना 3.75 और ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में इजी है तो क्या हो जाएगा आई क्यू आर टू पॉइंट फाइव इज द आई क्यू आर इसका बताओ जीरो वन जीरो पॉइंट सेवन फाइव एट पॉइंट फाइव विच इज सेवन पॉइंट सो एज मैंशन आपका आई क्यू आर किसका ज्यादा है ग्रुप बी का ऑब्वियसली बिकॉज स्प्रेड ज्यादा है सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस ठीक है अब हम लोग अगर इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे या फिर उससे पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए ही करेंगे सिमिलरली जैसे हमने किया था एकदम एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे क्या करना है <coughs> कितने वैल्यूज है एफ एफ वाले कॉलम uh, का टोटल करो रो का ट्वेंटी hmm? वैल्यूज है अब ट्वेंटी वैल्यूज हैं तो ट्वेंटी प्लस वन बाई फोर क्या है फाइव पॉइंट फिफ्थ वैल्यू टू फाइव विल बी और क्यू वन एंड क्यू थ्री विल बी थ्री बाई फोर्थ ऑफ ट्वेंटी प्लस वन विच इज ट्वेंटी बोलो क्या करेंगे हाँ फिफ्टीन पॉइंट ये वाला वैल्यू तो बेसिकली अब ध्यान से सुनो अब इसका आप लोग सी एफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो थ्री पता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है गो तो ठीक है, है तो अब यहाँ पे योर 5.25 कौन से फाइव कौन से फर्स्ट थ्री वैल्यूज यहाँ है थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन वैल्यूज आपके इधर हैं तो 5.25 एंड मतलब फाइव एंड सिक्स बोथ द वैल्यूज आर हेयर

फोर माइनस टू टू गोट इट क्लियर सिंपल वेरी इजी नो डाउट चलो नेक्स्ट ये सब इसका ना जो हमने पूरा ये सब किया अब बॉक्स प्लॉट बनाते हैं याद करो मैंने बोला था जब हम लोग Q1 Q3 सीखेंगे तब हम लोग बॉक्स प्लॉट बनाना सीखेंगे तो बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा बॉक्स प्लॉट जो होता है अगर मैं आप लोग को हिंट दूं आपको चाहिए होता है चार पांच चीजें चाहिए होती है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एंड जो आपका बॉक्स बनता है उसमें ये जो लाइन है दिस इज मीडियन दिस इज मीडियन विच इज एक्चुअली योर क्यू टू या नहीं रहता क्यू वन एंड दिस इज क्यू सो दिस इज योर IQR and this is your range. तो निकाल लो सारे values हैं minimum क्या है बोलो minimum क्या है ये ये जो data है ना ये मैंने already आप लोग को arrange करके दिया so it's not a ये क्या हो गया screen पे it's not a very difficult data. तो यहाँ आपका आ रहा है 15 Yes, बोलो ये आपका आ रहा है फिफ्टीन मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना रुक जाओ ये हो जाएगा लास्ट वाला क्या वन ट्वेंटी क्यू टू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डेटा पॉइंट्स है सो सेवन प्लस वन बाई टू फोर फोर इज वन टू थ्री फोर्टी तो समवेयर अराउंड यहाँ पे फोर्टी मान लो ठीक है और क्यू टू क्या क्यू वन क्या है एट बाय फोर सेवन प्लस वन बाय फोर इज टू तो ट्वेंटी समवेयर ह्योर एंड Q3 थ्री फिफ्टी कौन सा वैल्यू सिक्स वैल्यू तो फिफ्टी मतलब समवेयर ह्योर देख रहे हो ये आपका हो गया बॉक्स एंड विस्कर ऐसे बनता है तो ये हम हमें क्या पता चल रहा है इसका लोकेशन देख के समवेयर ऑन फोर्टी रहेगा क्योंकि मेन मीडियम मोड यूजली क्लोज रहते हैं अगर बहुत ज्यादा डिस्पोज नहीं है समवेयर अराउंड यहाँ रहेगा आपका लोकेशन मीडियम ये आपका आई क्यू आर है थर्टी एंड आपका रेंज कितना ह्यूज है देखो वन जीरो फाइव का राइट वाई बिकॉज देर इज वन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ हैिस बीन जस्ट थ्योअर सिक्सटी तो यहीं तक रहता आपका बट जो अभी मैंने केस बोला जो मैंने बोला कि एक जिनका एट्टी टू आ गया था सो so, उसके वजह से रेंज काफी बड़ा हो गया बट आई क्यू आर इज छोटा दिस इज वॉट इज प्रूफ आपका आई क्यू आर इज आपका आई क्यू आर इज थर्टी बट आपका रेंज इज वन जीरो फाइव विच इज वेरी ह्यूज बिकॉज ऑफ वन वेरी एक्सट्रीम वैल्यू आई क्यू आर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बट योर रेंज इज गॉट इट क्लियर बॉक्स एंड विस्कर कैसे बनता है एंड लीनियर इंटरपोलेशन इज क्लियर जिसका डाउट था यस टेल मी तो देख लो इसका कुछ एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को ग्रुप वाला करा दिया क्या नहीं इसमें ग्रुपड वाला इज सिमिलर टू मीडियम तो मैंने इसलिए नहीं लिया है आप लोग कर लोगे तो इट इज़ अनअफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज एंड डिसएडवांटेज में बोलेंगे डज नॉट यूज़ ऑल द डेटा पॉइंट्स अगेन क्यू वन खाली आपको ये चाहिए तो सारे डेटा आप कहाँ यूज़ कर रहे हो क्यू निकालने के लिए आप खाली वो दो या एक वैल्यू यूज़ करते हो क्यू या दो या एक तो आपको सबसे मतलब ही नहीं है कैन नॉट बी यूज इन फर्दर कैलकुलेशन आई क्यू आर एक बार निकल गया अब उसको हम लोग क्या क्स्ट उसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते जैसे मीन के साथ हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं इट कैन ओनली बी एस्टिटेड इट कैनोट बी एस्टिटेड होगा वेन ग्रुप्ड डेटा तो ग्रुप डेटा में डिफिकल्ट टू अगेन ग्रुप डेटा जैसे हम लोग मीडियम निकाल रहे थे याद करो सिमिलर चीज हो जाता था कि वो पूरा रेंज आएगा रेंज ऑफ क्लास ऑफ वैल्यूज है ना ग्रुप्ड डेटा में तो अगर मैं बोल रही हूँ फिफ्थ अगर एक ग्रुप ऑफ डेटा है go outside and talk. तो ये वाला जो है इसमें अगर मैं बोलती हूँ कि इसका आप लोग को आई क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे इन दोनों के बीच का एज एन जो भी आपका आ रहा था यूजिंग लीन इंटरपोलेशन सिमिलरली इसका इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हो ठीक है अज्यूमिंग वर्ड वैल्यूज आर लीनियरली और यूनिफॉर्मली स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर क्लास डेट्स इट ये क्या था ना कल हमने मीडियम जब निकाला था आप लोग क्योंकि ये नोट्स गिविन है दैट डज नॉट मीन दैट यू एज ए नॉट राइटिंग कुछ बेसिक लिखना पड़ेगा खाली देखने से और सुनने से अगर याद हो जाता है तो फिर अभी आप लोग आइंस्टाइन होते हैं ठीक है तो लेट्स डू इट है फॉर टूडे नेक्स्ट क्लास हम लोग रुक जो मैं देख लेती हूँ कुछ और क्वेश्चन हैं क्या आ, नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग कल सीखेंगे ठीक है चलो बाय बाय